अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, हम तारीख़ का मुताला कर रहे हैं। पिछले असबाक में हमने ये देखा कि मराठा इक्तदार किस तरह से कायम हुआ, इक्तदार के कायम करने के बाद से उसके उरूज का सफ़र कैसा रहा और मराठा इक्तदार की तौसी किस तरह हुई। इन सब का हमने मुताला किया, साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि स्वराज के कयाम में साम्राज्य तक का सफ़र कैसे तय हुआ। इससे मुतालिक भी मालूमात हमने तफसील के साथ हासिल की। प्यारे बच्चों, जब भी कोई हुकूमत कायम होती है तो इसके लिए कई जानों की कुर्बानियाँ दी जाती है। कई लोग अपनी ज़िंदगी इसके लिए दाव पर लगा देते हैं और कई तरह की मुश्किलात और मसाइब का सामना करते हैं, तब जाकर अपनी हुकूमत कायम कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम शुमाली हिंद में मराठों के साम्राज्य की तौसी और उसके लिए मराठा सरदारों ने जो अहम खिदमात अंजाम दी, इनका मुख्तसर जायज़ा लेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं तारीख़ का सबक नंबर 12, साम्राज्य की पेशकदमी।